कल मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर जो कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए विधानसभा के अंदर नहीं जाता कि विधानसभा के अंदर बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं तो क्या मैं उनका बकवास सुनने के लिए जाऊंगा। मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की लोकसभा के अंदर विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है, जिस कार्रवाई में नीति निर्धारण के साथ हर प्रकार की योजनाओं में जो विकास से लेकर के गरीबों के कल्याण की योजनाएं सरकारें बनाती हैं, उनका डिस्कशन का एक लोकतंत्र के संसदीय प्रक्रिया के अंदर वहां पर जो सारी चीजें होती हैं, क्या इस देश के अंदर वो सब बकवास है? और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक शब्द भी असंसदीय होता है या मर्यादा के संसद की मर्यादा के खिलाफ होता है तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय विधानसभा अध्यक्ष उस शब्द को उस कार्रवाई से डिलीट करते हैं, उस सदन के अंदर उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। लेकिन आपने संपूर्ण प्रक्रिया को बकवास कहना, आपने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है, आपने मध्य प्रदेश विधानसभा की उस कार्रवाई पर बकवास कह करके वहां अपमान किया है। और एक ऐसे लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुनकर के जाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पर भी आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है कि वो बकवास करते हैं, ये घोर अपमान है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पे अनुच्छेद 194 के तहत जो संसदीय प्रक्रिया के तहत जिन नियमों में कदाचरण और उसके बारे में जो नियम विधानसभा के हैं 265-264, उसके अंतर्गत मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।